एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का है 8:30 और आज मैं बहुत जल्दी नहा ली हूँ। 8:30 बजे नहा लिया है और नहाया है आज। आप लोगों को जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि मुझे जाना है तहसील और थाने, तो इसीलिए हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए और जल्दी निकलेंगे, क्योंकि जल्दी नहीं निकलेंगे तो उधर से बहुत लेट हो जाता है और वहाँ पे पता नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो वो तो वहीं पे हमको जाके पता चलेगा। क्योंकि सर से मैंने बोला था वो मुझे व्हाट्सअप कर देना या मुझे भेज देना, तो उन्होंने भेजा तब भी नहीं है, तो मुझे कन्फर्म हम लोगों को पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ही जाके पता चलेगा कि क्या उन लोगों ने किया था जिससे मुझे वहाँ दोनों जगह पे बुलाया गया है, थाने भी और तहसील भी। तो चलते हैं, तैयार होते हैं चल के। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा तो सुबह से ही बीपी डाउन हो रहा है बार बार, क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड के सिवाय कुछ भी नहीं था और बाकी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इस वजह से सत्य की जीत तो होती है लेकिन टाइम लगता है, बस ये चीज़ है। तो हम भगवान के ही सहारे पे जा रहे हैं, साईं बाबा के सहारे पे ही जा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा करना और कम से कम बुराई का अंत होना चाहिए और अच्छाई की जीत होनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ में हम जा रहे हैं और तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं अभी आप लोगों से। तो हमारे साथ में बने रहिए। जाते हैं मंदिर में, पहले माथा टेक लेते हैं, उसके बाद में तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अनिका को भी रेडी करना है। धूप बहुत तेज़ है और मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है जाने का, पर जाना भी ज़रूरी ही है। तो चलिए नीचे चल के बालों को समेटते हैं और अनिका को भी रेडी कर देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हमारे साथ में बने रहिए, एंड तक रहना गाइस, तभी ब्लॉग समझ में आएगा। तो गाइस हो गए हैं तैयार हम जाने के लिए। अनिका का मन नहीं है जाने का, कह रही थी मम्मा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे मत ले जाओ। लेकिन ले जाना पड़ रहा है यहाँ पे। इतनी गर्मी है ना, बच्चे को तो वाकई में ले जाने का वो नहीं है, लेकिन ले जाना पड़ेगा। इस वजह से जरूरी है, इस वजह से लेके जा रही हूँ, वरना नहीं ले जाती। चलिए फ्रेंड, आप लोग भी हमारे साथ में, जैसा भी कुछ है बताएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए फिर बने रहिए। तो यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई हैं, पापा भी रेडी हैं, भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो मम्मी भी साथ में जा रही हैं। अनिका तैयार हो गई, अनिका का मन नहीं था जैसे मैंने बताया, और मेरा तो मतलब मन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी तो रास्ते में ही है, टाइम लगेगा 2.5 घंटे मुझे वहाँ तक पहुँचने में। तब तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तक तो हम लोगों को कुछ भी पता ही नहीं था कि हमारे पे कौन सा केस किया है और क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहीं पे जाके मुझे कंफर्म पता चल पाएगा कि उन लोगों ने मुझ पे कौन सा केस किया था। इस वजह से हमें थाने से फ़ोन आया और तहसील बुलाया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे तो वहीं पे जाके ही पता चलेगा। और हाँ, कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप डेली का डेली वही चीज़ें बताते हो, कुछ अलग लेके आओ। तो अलग मैं भी लेके आना चाहती हूँ, पर आप ही अच्छा बताइए। मेरी ब्लॉग का मतलब यही होता है ना, जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप वो शेयर करिए। तो मेरी लाइफ में पिछले 1.5-2 साल से तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, 2 साल हो गए ज़िंदगी को मेरी तबाह हुए, लेकिन तब से मेरी लाइफ में बस परेशानियाँ और इतना कुछ मैंने इन 2 सालों में झेला है, देखा है। तो जो होता है मैं वही तो शेयर करूँगी। तो आप बोलते हो वही चीज़ें, तो पता नहीं, कुछ लोग तो समझना ही नहीं चाहते मेरी दुख
दर्द मेरा, तकलीफ़। कुछ लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, कुछ ही लोग हैं एक दो जो नहीं समझते हैं, मजाक बनाने लगते हैं, आप वही दिखाती हैं, बोर करती हैं। गाइस मेरी लाइफ में दुख तकलीफ़ के सिवाय अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं हंसती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। किसी के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो क्या वो कहीं जाके बाहर ब्लॉग बना के शूट कर पाएगा? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखाऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। जब मैं निकल जाऊंगी ना तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं आएंगे। अभी जो प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसमें मेरा साथ दो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा मतलब अनिका परेशान कर रही है, कह रही है मम्मा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, तो वो देखो पीछे घूम के पीछे का देख रही हैं और हम मम्मी सभी लोग वही बैठे हुए हैं। तो चलते हैं, फिर बनी रहिए अभी आप लोग। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि हम लड़की वाले हैं फिर भी कुछ भी नहीं किए और लड़के वालों ने मतलब इतना हम लोगों को परेशान करके रखा है, उल्टा पे उल्टा मतलब हम लोगों पे केस करते हुए जा रहे हैं। तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं, देखो मम्मी पापा से वही बातें कर रही थी। तो परेशान हैं हम लोग, सभी लोग परेशान हैं, आप लोग समझ सकते हो। फिर अब हमारी मोहली आने वाली है जहाँ पर हमको जाना है तहसील में, तो बस पहुंचने ही वाले हैं मोहली। थोड़ा थोड़ा सा रास्ते का भी मैंने शूट किया है और बनाया है ब्लॉग आप लोगों के लिए ही। तो चलिए पहुंचते हैं मोहली, फिर वहां का देखते हैं क्या है, कैसे क्या होगा, जो भी होगा वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये रही हमारी मोहली की तहसील, जितने लोग मोहली के हैं उनको पता होगी ये मोहली की तहसील है। तो अब यहीं पर हमारा काम है, तो हमें यहीं पर जाना है। तो यहीं पे पहुंच के फिर अंदर जाके कंफर्म करना है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा केस है जिसलिए बुलाया है। तो पहुंच तो गए हैं हम, अभी तो कुछ मालूम नहीं है, अंदर चल के ही कंफर्म पता चल पाएगा हम लोगों को। तो चलते हैं अंदर, पहले थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, पता नहीं अंदर कितना टाइम लगे, तो पानी वानी पियेंगे उसके बाद ही अंदर जाएंगे। तो चलिए फिर देखिए आप लोग, और प्लीज़ एंड तक रहना। और बहुत ज़्यादा हम लोग पहुँचे हैं, 11 बज गया था हम लोगों को शायद वहाँ तक पहुँचने में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मोहली तहसील और अंदर जाके देखते हैं। और मेरा सर दर्द इतना हो रहा है, बहुत तेज़ से सर दर्द, और बीपी की प्रॉब्लम हल्का हल्का सा लग रहा है कि बीपी ना डाउन हो जाए। पानी मैंने पी लिया है घर से, मैं घोल बना के लेके आई थी, प्रॉब्लम है मुझे इस वजह से। अंदर जाके देखती हूँ, इतनी कड़ाके वाली धूप है, अंदर जाके पता चलेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और अभी थाने से कॉल आया था तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जाके आप पूछना कि आपको आज अपनी जमानत करवानी है। देखते हैं किस लिए जमानत करवानी, क्या किया है क्या नहीं किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा अंदर। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पे बाहर हम लोग खड़े हुए थे क्योंकि मम्मी किसी से बात कर रही थी, किसी का फ़ोन आया था, उनसे बात कर रही थी। फिर हम लोग अंदर जाएंगे, भाई गया है गाड़ी पार्क करने, जब आ जाएगा तभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पेड़ के नीचे खड़े थे, बहुत अच्छी हवा मिल रही थी और अनिका रो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा बता रही थी उलझन हो रही है मम्मा। और गर्मी में सच में बच्चे को ले जाना बहुत ही वो है, लेकिन इतनी धूप में हम बच्चे को ले कर दौड़ रहे हैं, किसी को शर्म तक नहीं आ रही है, बच्चे को भी दौड़ा रहे हैं हम लोगों के साथ साथ। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और इधर
अंदर पता करने के लिए कि कहाँ पे हमको किससे मिलना है किससे नहीं, क्योंकि यहाँ के बारे में इतना तो पता तो है नहीं, है ना। तो अभी पता करना ही पड़ेगा तभी कुछ कंफर्म पता चल पाएगा कि क्या बात है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के। और फिर यहाँ पे मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो मेरी ससुराल के गांव के थे, तो अभी वो मुझे देखेंगे, मतलब मैंने भी उनको पलट के देखा। ये देखिए जो गए हैं ना, ये मेरी ससुराल के ही हैं और मुझे पलट के उन्होंने देखा, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी ना, इस वजह से उन्होंने देखा। फिर अंदर गए, हम लोगों की बात बात हुई और पता चला कि क्या है क्या नहीं। तो अभी उधर दूसरी साइड हम लोगों को भेजा जा रहा है, फिर वहाँ से जब जाएंगे तब पता चलेगा। फिर उसके बाद हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कल के ब्लॉग में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है गाइस, मिलते हैं।